नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे महाभारत के युद्ध के बाद भारत का तबाह होना शुरू हो गया था, यानी भारत को खंडित करना शुरू कर दिया गया था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, महाभारत युद्ध से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि हर समस्या का समाधान हमें बातचीत से नहीं मिल सकता है। उसके लिए हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा, हमें उसका कोई और तरीका तो निकालना ही पड़ेगा जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। खैर, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिरकार महाभारत के युद्ध के बाद भारत देश का क्या हुआ था। तो चलिए हम जानते हैं वीडियो में आगे। भगवान कृष्ण की नारायणी सेना और कौरवों की 11 अक्षौणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना, कुल मिलाकर लगभग 45 लाख योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था, जो कि 18 दिनों तक लगातार युद्ध दिनों रात चलता रहा। और इस युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जिंदा बच पाए थे। कहा जाता है इस युद्ध में भारत की 3 पीढ़ियां तक लगभग खत्म हो चुकी थी। और इस महाभारत युद्ध के बाद भारत से वैदिक धर्म, संस्कृति और सभ्यता का नष्ट होना शुरू हो गया था। यानी महाभारत के युद्ध के बाद ही भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो हमें विरासत में मिली थी, वो सब नष्ट होना शुरू हो गया था। महाभारत युद्ध के बाद अखंड भारत बहुसंस्कृत का देश बनकर खंड खंड हो गया था। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर पूरे भारत के राजा बने, लेकिन सब कुछ खोकर सभी पांडवों ने राजपाट त्याग दिया और सिंहासन राजा परीक्षित को देकर और युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय के गोद में चले गए। और युद्ध के बाद से ही लेकर आज तक भारत को इतना खंडित किया गया कि सोच कर दर्द होता है। अगर आप भारत को अखंड देखना चाहते हैं तो हमें जातियों में बंटकर नहीं, हमें एक सनातनी होकर अपना परिचय देना होगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।